अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे और ढेर सारी खुशियों से नवाजे। सुबह नाश्ते, सैटरडे की सुबह नाश्ते के बाद हम लोगों का सिपोरा जाने का इत्तेफाक हुआ था। सिपोरा में मेरी बेटी ने कुछ अपनी फ्रेंड की बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट बाय करना था, तो मैं भी और मतलब कि फैमिली भी साथ चली गई। मेरे हस्बैंड और बेटे तो स्प्राउट में ग्रोसरी कर रहे थे और हम लोग सिपोरा में यहाँ पे डील्स वगैरह देख रही थी मैं कि कोई अच्छी डील मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छी मिल गई थी। अच्छा, इसके अलावा मैं आज एक टॉपिक पे, बड़ी सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। हम लोग जहाँ पे बाहर जो कंट्रीज़ में रहते हैं, तो हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए कौन सा स्टेप फॉलो करने चाहिए। मैं यहाँ पे यानी अपने जो आसपास सराउंडिंग में और लोगों को देखती हूँ कि और जो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है, तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमें अगर यहाँ पे इन कंट्रीज़ में जब हम रहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने स्पेशली वो लोग जिनकी रिलेटिव भी यहाँ नहीं होते ज़्यादा, तो उन्हें अपने बच्चों को अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखना चाहिए कि जिनके दादा दादी वगैरह या पेरेंट्स इधर होते हैं उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो वो बच्चियाँ जो शादी करके आती हैं और जिनके यहाँ पे फैमिली भी नहीं होती, और फिर वो जब बच्चों को मतलब कि उनकी बड़ा जब बच्चों को पालती हैं तो उन्हें समझ नहीं आती। तो इसमें कम कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं कि आप अपने बच्चों को किस तरह अपने कल्चर से इंटरेस्ट रख सकते हो और अपने अपने यानी जो अपनी रूट्स हैं, जो हमारी रेगुलेशंस हैं और जो हमारे हमारी कल्चर है, उससे किससे इंटरेस्ट रखें। तो कोशिश यही करें कि अपने आसपास मस्जिद के आसपास कहीं पे घर लें जिसमें और बच्चों को वक्तन फोक्तन मस्जिद भी लेकर जाते रहे। इससे ये होता है कि बच्चों के अंदर जो साहब आप मस्जिद के पास रहे तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारी देसी अपनी देसी कम्युनिटी मिल जाती है, और मस्जिद में बच्चों को नहीं डेली लेके जा सकते या कुछ ऐसा है, तो फिर वीकेंड पे या जुम्मे में कभी या छुट्टियों में बच्चों को ज़रूर मस्जिद लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी कोर्सेज वगैरह बच्चों को करवाए जाते हैं। ये वहाँ से हम सपूरा से यहाँ पे हम बात है एंड बॉडी वर्क्स आ गए थे, यहाँ भी हमने कुछ शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ पे भी काफ़ी देसी कम्युनिटी है, आप देख रहे होंगे। तो कोशिश यही करें कि जहाँ पे देसी कम्युनिटी ज़्यादा हो वहाँ पे भी बच्चों वहाँ पे बच्चों की बड़ा अच्छा माहौल मिल जाता है, उनका जहन अपने कल्चर को और दूसरे कल्चर के डिफरेंस को ईजीली समझना शुरू हो जाता है। तो उसके अलावा हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि घर में भी अपने बच्चों को मगरिब की नमाज का यानी नमाज़ों का अहतमाम करवाएँ, कम से कम फजर और मगरिब का तो कोशिश करें, और अगर ये भी नहीं तो कम से कम मगरिब की नमाज़ के टाइम बच्चे बिल्कुल फारिग होते हैं, उन्होंने होमवर्क भी किया होता है, उन्होंने रेस्ट भी की होती है, तो उन्हें ज़रूर मगरिब की नमाज़ में अपने साथ शेयर करवाएँ कि आप हमारे साथ नमाज़ पढ़ो। इसके अलावा जब रोज़ों में बच्चे माशाल्लाह नमाज़ जब पढ़ते हैं, उससे भी बच्चों को काफ़ी आदत हो जाती है कि जब रोज़ा रखा होता है तो वो सब बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो फिर बाद में भी उस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि मगरिब की नमाज़ का अहतमाम करवाएं। ये तकरीबन ये हमारा सारा दिन बाहर ही गुजरा था, तो मैंने बस साथ साथ थोड़ी सी शूटिंग भी की थी और साथ साथ मैंने कहा मैं कुछ अच्छी बातें जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। फिर यहाँ पर मीडिया के ज़रिए भी हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। कम अज़ कम अपने घर में कुछ ऐसे प्रोग्राम वगैरह चलाते रहें जिससे बच्चे हमारे जो से हैं वो इंग्लिश ज़ुबान जो सी है वो ज़्यादा बोल रहे होते हैं, तो जब वो अपना मीडिया के थ्रू अपनी ज़ुबान सुनते रहते हैं तो वो फिर अपनी ज़ुबान भी सीख जाते हैं पेरेंट्स के साथ साथ। बीबी ओ बीबी और इसके अलावा यहाँ के मुल्कों में बच्चों को बुली भी किया जाता है, हमारे बच्चों को अक्सर बाहर के बच्चे बुली भी करते हैं, तो फिर कोशिश यही करें कि बच्चों को जो है ना बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से तो उन पर तवज्जो दें, उन्हें अपने कल्चर का और दूसरे कल्चर का डिफरेंस बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाएँ, उनको ज़्यादा फोर्स ना करें, ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव ना करें, क्योंकि वो बाहर के माहौल से भी थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कल्चर और
का डिफरेंस समझ आ रहा होता है, तो उन्हें जितनी मोहब्बत और प्यार से उन्हें समझाएंगे। और इसके अलावा ये भी कोशिश करें कि वो जो स्टडीज़ वो करना चाहते हैं, जिनका उनको शौक़ है, उन्हें वही करने दें, उन्हें फोर्स करके कोई ऐसे सब्जेक्ट ना दें जो कि हमें पसंद हो, उन्हें उनके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में ही पढ़ने दें। बस अपनी पूरी तवज्जो से, पूरी सपोर्ट से, पूरी मोहब्बत के साथ आप जब उनको मतलब के हेल्प करेंगी, गाइड करेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो बच्चे हमें वही रिज़ल्ट देंगे जो हम चाह रहे हैं इन फ्यूचर। तो ग्रोइंग अप बच्चों के यहाँ पे काफ़ी मसाइल होते हैं, तो माँ बाप को बड़ा स्पेशल तवज्जो देना पड़ती है। ये यहाँ पर हम लोग बीच पे आ गए थे ना, तो बीच पे बच्चे जो है कुछ स्विम वगैरह भी कर रहे थे, और मेरा बेटा बोटिंग कर रहा था, तो ये फ़िशिंग भी बहुत का भी बहुत शौकीन है, ये जब भी यहाँ आता है ना तो फ़िशिंग करते हैं। तो यकीन माने कि ये मैं मतलब कि ये बड़ी पर्सनली, यानी ये बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे बच्चे तकरीबन 8-9 साल से उसे जब भी आता है उसकी कभी नहीं फिश पकड़ सका। तो मैं बैठी दुआ मांग रही थी कि अल्लाह पाक ये हर बार आता है और कभी भी मछली नहीं आती, तो हमारी हेल्प करो कि मेरे बेटे की हेल्प करें कि मछली पकड़ी जाए। कहते हैं माओं की दुआ में बहुत असर होता है, और आप यकीन मानेंगे कि इस दिन मेरे बेटे की जाल में 3 बार मछली आई है। यानी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मैं बड़ा हैरान हुई थी कि अल्लाह पाक कहते हैं कभी कभी कबूलियत का टाइम होता है, ये शाम का टाइम तो कबूलियत का ही होता है, माँ बाप के मुँह से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। तो कोशिश करें कि कभी गुस्से में भी बच्चों को बददुआ, यानी गुस्से में भी कोई ऐसी बात ना करें जो बच्चों के हक़ में अच्छी ना हो, कि माँ बाप के मुँह से निकली दुआएँ बड़ी जल्दी कबूल हो जाती हैं। तो मैं आपको इसकी जो इसने फिश पकड़ी है उसकी पिक्चर्स भी सेंड करूँगी, वो मेरी बेटी के मोबाइल में है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपको वो पिक्चर शेयर करूँगी जो उसने 3 फिश पकड़ी थी। तो बस मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप शाम का टाइम बड़ी कबूलियत का होता है, और माँ बाप की दुआएँ बड़ी जल्दी कबूल होती हैं, तो मेहरबानी करके अपने बच्चों के लिए अच्छी दुआ ही करें। कभी कोई ऐसा गुस्से में भी ऐसा वर्ड ना कहें, क्योंकि फ़ौरन दुआ का समटाइम्स बहुत जल्दी दुआ कबूल हो जाती है। और बस फिर शाम में हम लोग आए बाहर, आके बच्चों ने कहा था कि हमें ये चाउमीन वगैरह लेनी है, वो कुछ हम लोगों ने वो खाया। उसके अलावा मैं अक्सर इसमें देखती हूँ लोग बड़े मोटिवेट करते हैं, इसलिए मैंने भी कोशिश तो कर रही हूँ, आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट चाहिए थोड़ी सी। तो मैंने फिर अपना फ्रिज वगैरह भी साफ़ किया, व्लॉगिंग मैं किसी का व्लॉग देख रही थी, तो फिर मैंने उसको देख के मुझे भी शौक हुआ, मैंने भी सारी फ्रिज की सफाई की। और इसके अलावा मैं आपसे एक रेसिपी भी शेयर करना चाह रही हूँ, इसमें बड़ी है, जैसे नए शादीशुदा बच्चियाँ होती हैं उन्हें नहीं समझ आ रही होती, तो बड़ा अच्छा रहता है कि आप को ऐसे कुकिंग में हेल्प मिल जाती है। तो मैंने कहा मैं एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैंने ऑयल को गर्म करके इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला, जिनसे खड़ा गर्म मसाला सारा डाल दिया। उसके अलावा ये ड्राई मसालों में मैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और धनिया, ज़ीरा और ब्लैक पेपर। मैं थोड़ी सी मैंने फ्रेशली क्रश करके रखी होती है अलग बोतल में, वो भी मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, उससे भी बड़ा टेस्ट इन्हेंस होता है। तो मैंने ये सब कुछ डाल के प्याज फ्राई किया, उसके बाद कीमा डाला और कीमे को फ्राई करके उसके अंदर सारे मसाले फ्राई किए, मसाला डाल के इनको जब अच्छी तरह भून लिया, तो फिर टमाटर डाले, और टमाटर के साथ टमाटर के पानी में काफ़ी कीमा भी गल गया था, और इस पर दही डाल के भी मैंने भुनाई की थी, और एंड में मैंने फिर इसमें शिमला मिर्च डाली और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, आधा कप या इससे भी कम। तो तकरीबन ये 10-15 मिनट में जो है दम पे लगाया ऐसा आँच में, तो ये कीमा तैयार हो गया। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।